ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, पीएम ने कहा द्विपक्षीय सहयोग से खुलेंगे नए आयाम। ब्रिक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मिले प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों के हाथ मिलाने वाली तस्वीर सामने आई है। ब्रिक्स देशों में शामिल होंगे 5 नए देश, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स के नए सदस्य बनेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि नए देश जुड़ने से ब्रिक्स मजबूत होगा। ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने नए सदस्यों का स्वागत किया। नए देशों की सदस्यता जनवरी 2024 से होगी प्रभावी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने संबोधन में भारत के चंद्रयान मिशन का भी जिक्र किया, एक बार फिर से बधाई दी। साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग के सामने चीनी बॉडीगार्ड की बेइज्जती, दक्षिण अफ्रीका के बॉडीगार्ड्स ने रेड कार्पेट पर जाने से रोका। शी जिनपिंग का बॉडीगार्ड अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीकी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पूरी ताकत लगाकर अंदर जाने से रोक दिया। इस बीच चीनी राष्ट्रपति ने दो बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी उनके बॉडीगार्ड को अंदर जाने नहीं दिया गया। जोहान्सबर्ग में सेनेगल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिक्स समिट के दौरान हुई मीटिंग। दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस रवाना होंगे पीएम मोदी। एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों के मकबरे को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को बताया बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री, लिखा नरसिम्हा राव सांप्रदायिक नेता थे। एबीपी न्यूज से बोले अय्यर, राजीव गांधी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने सिख विरोधी दंगों के लिए मौके पर माफी नहीं मांगी। मणिशंकर अय्यर के बयानों पर बीजेपी हमलावर, संबित पात्रा ने बताया गांधी परिवार का मुकुट मणि, कहा शब्द सिर्फ अय्यर के होते हैं, सोच गांधी परिवार की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो भी दर्द मणिशंकर अय्यर को होता है। कल हो सकता है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचेंगे सीएम शिवराज। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने 314 करोड़ की लागत से बनने वाले हनुमान मंदिर का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शिवराज पर साधा निशाना, कहा एमपी की जनता पर भरोसा, वो शिवराज की कलाकारी से गुमराह नहीं होंगे। करीबियों पर छापे को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा जितना छापा मारेंगे उतनी बीजेपी की सीट घटेगी। लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा देश में सुरक्षित नहीं अल्पसंख्यक दलितों आदिवासियों की हालत भी ठीक नहीं है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद लोगों से अपनी आरती और पूजा करवाते हैं। संजय निषाद का आरती का वीडियो वायरल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर कहा मोदी सरकार आरटीआई एक्ट को तड़पा तड़पा कर मार रही है। आरटीआई वेबसाइट से हजारों आवेदन गायब हुए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता, चुनाव नहीं कराने की वजह से गई मेंबरशिप। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से WFI की सदस्यता रद्द होने को दीपेंद्र हुड्डा ने बताया दुखद, कहा आरोपी को बचाने के लिए संस्था की बलि चढ़ाई। पिछले 20 घंटे से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान, चांद की तस्वीरें खींचकर विक्रम को भेज रहा है रोवर। रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से चांद की जमीन पर आगे बढ़ रहा है। अगले 14 दिनों तक 500 मीटर चलेगा प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर पानी, मिनरल्स, मिट्टी, भूकंप और तापमान जैसे फैक्टर्स पर अध्ययन शुरू कर दिया है। एक लूनर डे यानी कि 14 दिनों तक ही प्रज्ञान एक्टिव रहेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर रात होने पर नहीं मिलेगी सोलर पावर। चंद्रयान 3 की सफलता पर जोधपुर में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर दी इसरो को बधाई। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहुंचे इसरो दफ्तर, चेयरमैन सोमनाथ और उनकी टीम को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, कहा पूरे देश के लिए गर्व का क्षण। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राकेश शर्मा को गलती से राकेश रोशन कह दिया, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का गलत नाम लिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बाबा बागेश्वर बोले पहले चंदा मामा दूर के थे, अब घर परिवार के हो गए हैं। तेजस ने दिखाया आसमान में कमाल, गोवा के तट पर 20,000 फीट की ऊंचाई से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस की 19 महिला कमांडो तैयार, होटल में ठहरे मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी स्पेशल 19। राजधानी दिल्ली में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, G20 सम्मेलन की वजह से सभी दफ्तर 8 से 10 सितंबर तक रहेंगे बंद। नू हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हिंसा में शामिल आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नू हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन, कार्रवाई के नाम पर एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम,
सुरक्षा बलों ने ड्रोन से गिराई गई हेरोइन की खेप जब्त की। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन शांतिपूर्ण रहा एग्जाम। 1,70,000 पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल। शतरंज विश्व कप में भारत के आर प्रज्ञानंदा की हार। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने चैंपियन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रज्ञानंदा की हौसला अफजाई की। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के उप विजेता बने प्रज्ञानंद। 18 साल के प्रज्ञानंद 32 साल के कार्लसन को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान। सरदार उधम को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। आरआरआर को मिला बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई और कृति सनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मिला पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा जा रही बस में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे बस में सवार 45 यात्री। इंदौर में एक कारोबारी से लूट के आरोप में 4 बदमाश गिरफ्तार। बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए वारदात को दिया था अंजाम। मुंबई के लोखंडवाला में पाइपलाइन फटने से दहशत। बिल्डिंग के 8वें फ्लोर तक पानी की बौछार पहुंची। मुंबई के पास भयंदर में विवादास्पद स्टेटस पर बवाल। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। अवैध संपत्ति मामले में एक्शन में ईडी। लुधियाना में पूर्व कांग्रेसी मंत्री भरत भूषण के घर और दफ्तर पर रेड। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 46 लड़के और 38 लड़कियां गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में डीएम दिव्या मित्तल ने एक बच्ची के साथ किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। पटना में पार्षद के पति नीलेश मुखिया की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। हिमाचल में तबाही ने फिर दी दस्तक। भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कुल्लू में ताश के पत्तों की तरह गिरे 8 मकान। कुल्लू में जमींदोज हुए मकानों में 1 हफ्ते पहले आई थी दरारें। हादसे से पहले खाली करवा लिए गए थे घर। हिमाचल के कांगड़ा में भी तबाही का सला। भारी बारिश के बीच सर्विस स्टेशन पर पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दबी। हिमाचल के मंडी में जमकर बरसे बादल। नदियां हुई विकराल। इलाके का एक पुल पानी के तेज बहाव में बहा। शिमला में मूसलाधार बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। एक दिन की बारिश से हिमाचल में मचा हाहाकार। आपदा में 13 लोगों की मौत, 6 लापता। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई दुकानें। रोकी गई चंडी देवी की यात्रा। यूपी के बलिया में सरयू नदी का तांडव जारी है। नदी किनारे बना एक मकान पानी में समाया। यूपी के उन्नाव में बारिश से कमजोर हो चुका एक कच्चा मकान ढहा। मलबे में दबी मां बेटी को पास के लोगों ने निकाला। प्लेन हादसे में मारा गया पुतिन से बगावत करने वाला वैगनर चीफ प्रिगोजिन। हादसे का वीडियो भी आया है सामने। रूस का दावा, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था जहाज। प्लेन में प्रिगोजिन समेत सवार थे 10 पैसेंजर, सभी की हुई मौत। प्रिगोजिन की मौत पर अमेरिका का बयान। बाइडेन बोले, सरप्राइज नहीं हूं। रूस में शायद ही ऐसा कुछ होता है जिसमें पुतिन का हाथ ना हो। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, पुतिन ने दिया है सिग्नल, जो खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। रूस के यारोस्लाव शहर के पूर्व डिप्टी मेयर ने दी प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि। प्लेन क्रैश को बताया आतंकी घटना। हाल ही में प्रिगोजिन ने अफ्रीका से शेयर किया था अपना वीडियो। आईएसआईएस से लड़ने की कही थी बात। चीनी विदेश मंत्रालय की अमेरिका को सीधी चेतावनी। ताइवान को हथियार ना बेचने को कहा। नेवी के जहाजों में वर्टिकल मिसाइल लॉन्च सिस्टम लगाएगा ताइवान। ताइवान ने खुद ही बनाए हैं ये मिसाइल सिस्टम। जापान ने महासागर में रेडियो एक्टिव पानी छोड़ना किया शुरू। महासागर में छोड़ा जाना है 133 करोड़ लीटर दूषित पानी। पहले दिन छोड़ा गया 2 लाख लीटर पानी। साल 2011 में भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था धमाका। तभी से जमा है रेडियो एक्टिव पानी। जापान के दूषित पानी छोड़े जाने से साउथ कोरिया में दहशत। समुद्री जीवों और इंसानों को नुकसान पहुंचने का दावा। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग शांत होने के बाद दिखा तबाही का मंजर। हजारों घर खाक। ग्रीस के जंगल की आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार। चिली में बाढ़ का प्रहार, कई इलाके पानी में डूबे। चिली के सांताक्रूज इलाके में सड़क पर भरा पानी, गाड़ियां डूबी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से हाहाकार। कंगाल मुल्क में फिर प्रलय के आसार। पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी के बीच बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन। सऊदी अरब के पवित्र मक्का में दिल दहला देने वाला मंजर। क्लॉक टावर पर गिरी आसमानी बिजली।